हाँ गाइस, आज ना आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज है। तुमने क्यूरियल के साथ वीडियो डिलीट कर दो। क्या बोल रहे हो यार? मैं ना हमारा सुपर बाइक लेने के लिए हमारा रोमियो को भाई बेचना पड़ेगा। क्या? हाँ, ये सब बातें ना अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? भाई लोग, अगर मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा ना यार, तो क्यूट गर्ल ना मेरे को फंसा लेगा। हम दोनों ना भाई डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि भाई हम लोगों को कौन सा सुपर बाइक लेना चाहिए। हम लोग जेजेक्स सिक्सर भी ले सकते हैं, G900 भी ले सकते हैं। सब लोग हम दोनों को कमेंट करके बताओ कि हम दोनों को भाई कौन सा सुपर बाइक लेना चाहिए भाई। गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप सब लोग? तो उम्मीद है आप लोग एकदम से बढ़िया होंगे। और हाँ गाइस, हमेशा बढ़िया ही रहना। भाई यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना, आज ना मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। सो भाई लोग, मैं ना एक न्यू यूट्यूब चैनल ओपन किया हूँ, द बेंगोली कपिल नाम से। गाइस, आप लोग मेरे को इतना सभी प्यार करते हो ना भाई, तो पहले मेरा उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो चैनल गाइस आप लोगों को मेरा कॉमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा, मैं ना उधर पे पिन कर रहा हूँ। जल्दी से भाई लोग 10K फैमिली कम्प्लीट करा दो, उसके बाद ही ना भाई तबाही वाला ब्लॉग आएगा मेरा उस चैनल पे। आज ना गाइस, मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा बातें करने वाला हूँ। तो चलो भाई लोग, अभी घर पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, निकलते हैं भाई घर से अपना रोमियो को लेके। बाकी बात मैं आप लोगों के साथ बाइक चलाते जाते ही करता हूँ। तो चलो, अभी निकल चुका हूँ घर से। एंड आप लोगों को पता है भाई कि 3 दिनों से मैं कोई ब्लॉग नहीं डाला मेरा चैनल पे। आप लोग तो गाइस मेरे को कमेंट के ऊपर कमेंट करते हैं कि बिपू भाई डेली वीडियो किया करो, हम आपको भाई डेली देखना चाहते हैं। सो भाई लोग, मैं कैसे करूँ यार? अभी आप लोगों को पता है भाई कि मेरे साथ क्या चल रहा है। क्यूट गर्ल मेरे को कॉल करके पुलिस की धमकी दे रहा है, मेरे को बोल रहा है कि बीबू तुम वीडियो डिलीट करो। सो गाइस, आप लोग ही बताओ ना यार, आप लोगों ने मेरे को कमेंट किए थे कि बीबू भाई क्यूट गर्ल के पास जाओ, उसके साथ वीडियो बनाओ। एंड अभी देखो यार, क्यूट गर्ल ही मेरे को बोल रहा है कि वीडियो डिलीट करो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ FIR कर दूंगा। आप लोग ही बताओ कि मेरे को भाई क्या करना चाहिए, वीडियो डिलीट करना चाहिए कि नहीं? तो जल्द से मेरे को आप लोग कमेंट करके बता देना। हम ना लड़के हैं भाई, हम ना हर तरीके से भाई घिसते हैं। अच्छा काम करो तो भी गलत, कोई बुरा काम करो तो भी गलत यार, हम ना यार हमेशा गलत ही होते हैं। गाइस, हम और प्रिया ना डेली वीडियो डाला करेंगे। तो बस गाइस, पहले आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी ना आप लोगों के सपोर्ट का मेरा बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई मैं ना यार सुपर बाइक का प्लान कर रहा हूँ। एंड आप लोगों को पता है कि एक सुपर बाइक लेना कितना मुश्किल होता है भाई, एक मिडिल क्लास बंदों के लिए। चैनल का नाम है द बेंगोली कपिल, तो चैनल का लिंक आप लोगों को मेरा कॉमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। तो जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि आज ना आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है। सो हाँ भाई लोग, मैं ना मेरा रोमियो को सेल करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है एक सुपर बाइक का प्राइस भाई कितना है भाई, 11-12 लाख का हम बाइक लेंगे। तो यार उतना तो पैसा नहीं है ना मेरे पास। सोच रहा था कि अगर अपना रोमियो को भेज देंगे ना, तो 1-2 लाख भाई आ जाएगा, तो उससे हम भाई हमारा जो सुपर बाइक है, हमारा जो ड्रीम बाइक है, उसे भाई ले पाएंगे। और अगर गाइस मैं अपना रोमियो को नहीं बेचता हूँ ना, तो मेरे को भाई 2-3 महीना वेट करना पड़ेगा भाई। इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार, अभी चलते हैं प्रिया के पास, प्रिया से ही पूछ लेते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए। हमेशा प्रिया से पूछ लेता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं। अभी ना गाइस, मेरा मन भी नहीं था घर से निकलने का भाई, अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि 2-3 दिनों से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर रखा हूँ यार क्यूट गर्ल के वजह से। तो मेरे को ना भाई फ़ोन करके धमकी के ऊपर धमकी दे रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है भाई। तो क्या करना चाहिए यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। अगर मैं प्रिया को बोलता हूँ ना, तो प्रिया जाके भाई क्यूट गर्ल के साथ लड़ाई करेगा। गाइस, मेरे को एकदम से पसंद नहीं है कि क्यूट गर्ल के पास जाके प्रिया भाई झगड़ा करे। तो आप लोग ना गाइस, प्रिया को जाके समझाओ कि प्रिया क्यूट गर्ल के पास जाके और लड़ाई ना करे। मेरे लाइफ में गाइस बहुत परेशानी है, एक तो भाई क्यूट गर्ल, ऊपर से मेरे को सुपर बाइक भी लेना है, उसका भी पैसा नहीं हो पा रहा है मेरे पास, लोन वगैरह करना पड़ेगा। एंड अगर यूट्यूब पे अच्छा व्यूज आएगा तो ही ना मैं भाई EMI के पैसा दे पाऊंगा हर महीने। एंड अगर व्यूज भाई डाउन हो जाएगा तो आप लोग सोचो EMI का पैसा भी नहीं दे पाऊंगा। तो भाई लोग, वही मैं सोच रहा था कि मेरे को सुपर बाइक लेना है कि नहीं, हमारा रोमियो को सेल करना है कि नहीं। हम ना भाई मिडिल क्लास फैमिली से है, एंड कुछ पाने के लिए हमें कुछ भाई खोना पड़ता है। अभी कोई कोई मेरे को कमेंट करेगा कि अगर तेरे पास पैसा ही नहीं है तो क्यों ले रहा है भाई सुपर बाइक, किसने बोला लेने के लिए? अभी उन लोगों को कौन ही समझा है भाई कि हम जैसे मिडिल क्लास बच्चों को भी सपना देखने का मन करता है। जो भाई मिडिल क्लास फैमिली से हो ना, वो तो मेरे साथ अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। सो गाइस, अभी आप लोग देखो, अभी प्रिया भी ना आ गई है भाई। आप लोग बताओ गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं तो मस्त हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ यार। और मुझे पूछो, तुम कैसी हो प्रिया? मैं भी मस्त हूँ। मस्त हो ना? हाँ। आज ना तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है। कैसा बैड न्यूज? वो तो तुम्हें बाद में ही पता चलेगा कैसा बैड न्यूज है यार। नहीं नहीं, अभी बोला नहीं। यार कुछ नहीं यार, यार कुछ नहीं बोला ना। आप लोगों को पता है क्या? हाँ, सबको पता है। ओए चलो। ठीक है चलो।
सो चलो गाइस अभी ऐसे निकलते हैं भाई, चलते हैं घर के लिए। एंड यहाँ पे प्रिया भाई डांस करने के लिए आती है, आप लोगों को तो पता है। चलो से गाइस आज के वीडियो को पूरा देखना, आज ना मैं आप लोगों के साथ बहुत सारा बातें करने वाला हूँ, बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ। गाइस जब मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हूँ कि मेरे को सुपर बाइक लेना है, तब तो गाइस मेरे को लेना ही लेना है। उसके लिए ना गाइस मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 10-12 लाख के बाइक अभी इस टाइम पे खरीदना मेरे लिए तो भाई बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम है। चलो भाई लोग अभी अच्छे वाले रास्ते पे चलते हैं, थोड़ा सा रोकते हैं भाई, आप लोगों के साथ बातें करते हैं। एंड भाई प्रिया से भी पूछ लेते हैं कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए, हमारा रोमियो को भाई सेल करना चाहिए कि नहीं। ओए गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं भाई हमारे सबसे फेवरेट वाले रास्ते पे। एंड इधर पे आने में ना बहुत ज्यादा भाई अच्छा लगता है हम दोनों को, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार इधर पे आके ना मैं आप लोगों के साथ मेरे दुख भरी भाई बातें करता हूँ। क्या हुआ यार? हाँ बहुत सारा दुख है यार, तुम नहीं समझोगे यार। बता तो यार पहले तुम बताओ, तुम ठीक हो? कैसे हो तुम? ठीक हो? ठीक हो? जैसे कि मैं आप लोगों को बोला कि हमें ना हमारा सुपर बाइक लेने के लिए हमारा रोमियो को भाई बेचना पड़ेगा। क्या? हाँ बेचना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है। एंड अभी एक सुपर बाइक का प्राइस आप लोगों को तो पता है ना भाई, 10-12 लाख के बाइक तो हम ऐसे ही नहीं ले पाएंगे ना। तो तुम ही बताओ प्रिया कि मेरे को क्या करना चाहिए। देखो यार अगर मैं अभी नया सुपर बाइक लेता हूँ ना तो मेरे को मेरा रोमियो को सेल करना पड़ेगा, और मैं अगर सुपर बाइक भी ले लेता हूँ अपना रोमियो को भी रख देता हूँ हमारे पास, तो हमें ना यार 3-4 महीना वेट करना पड़ेगा पैसा जमा होने तक। तो क्या करें यार तुम ही बताओ ना क्या करना चाहिए मेरे को। लेकिन मैं सेल नहीं करने दूंगी इस बाइक। यार अगर सेल नहीं करेंगे तो सुपर बाइक कैसे लेंगे यार? मेरा है ठीक है। क्या बात, क्यों सेल करोगे? हटो यार। ओए मेरा है और गाड़ी भी मेरा है, सब बातें ना अपने दिमाग से निकाल दो ठीक है। ओए सच में यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ तुमसे। सो गाइस आप लोग कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि भाई हम दोनों को क्या करना चाहिए, हमारा रोमियो को सेल करना चाहिए कि नहीं। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यार सुपर बाइक लेना है हमें, और सुपर बाइक के लिए मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं है यार। मुझे नहीं चाहिए सुपर बाइक, मुझे इस बाइक चाहिए। क्या बात कर रहे हो तुम यार, जो कुछ भी बेच लो पर ये नहीं बेचने दूंगी मैं। यार देखो हम ना मिडिल क्लास फैमिली से है, एंड कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है यार। तुमने वीडियो डिलीट कर दो। क्या बोल रहे हो यार? यह सब लोग मेरे को बोल रहा है कि बेबू भाई तुम ना क्यूट गर्ल के साथ वीडियो डिलीट मत करो, और तुम बोल रहे हो डिलीट कर दो यार। तो हाँ भाई लोग अगर मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा ना यार तो क्यूट गर्ल ना मेरे को फंसा लेगा, मेरे को तो भाई अच्छी तरीके से पता है। ठीक है चलो यार घर जाएगा ना हम लोग वीडियो डिलीट कर देंगे ठीक है। हाँ मेरे को भी नहीं चाहिए भाई, बहुत दिनों से ना क्यूट गर्ल की नौटंकी मैं देख रहा हूँ। हाँ गाइस हम ना आज घर जाके ही ना सारे वीडियो भाई डिलीट कर देंगे यार। हटो यहाँ से, मुझे भी रोमियो को चला। क्या यार, यार बाद में चला लेना यार, मेरे को सीधा करना पड़ेगा। क्या चक्कर है यार? ये तुम्हें जाना है, तुम सीधा करो ना। नहीं आता है बाइक सीधा करना भी नहीं आता है यार। यार कुछ नहीं होता। ओए क्या चक्कर है यार? मतलब भाई इसको बाइक चलानी है और भाई मेरे को सीधा करना पड़ेगा बाइक, आप लोग सोचो यार। गाइस देखो यार इसका पैर भी नहीं आता है भाई, ये चेक करो यार, और इसको भाई बाइक चलानी है भाई। तुम रोमियो को चला लो ठीक है, लेकिन हमारा जो सुपर बाइक आएगा ना उसको तो मैं नहीं देने वाला हूँ ठीक है। मैं चोरी करके ले लूंगी। हरकत तो देखो गाइस इसका यार, हरकत तो। ओए कुछ नहीं, ओए क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो तुम? क्या चक्कर? मैंने बोला था ठीक है, मैंने बोला था कि तुम्हें नहीं आएगा चलाना। क्या हुआ यार, अबे हाथ दिखाओ, क्या हुआ है? ये चक्कर है यार। मैं काम करो प्रिया, तुम ना कॉम्प्लान पी लो, पी के अपना जो पैर है ना उसको लंबा कर दो, उसके बाद मेरा रोमियो का चलाना ठीक है। चलो बैठो अभी। सो चलो भाई लोग अभी ऐसे निकलते हैं भाई, चलते हैं घर के लिए। भाई मुझे सुपर बाइक नहीं चाहिए भाई ठीक है, मेरा रोमियो ही बेस्ट है यार, सुपर बाइक नहीं चाहिए भाई मेरे को यार। ये चेक करो यार, ये चेक करो, मेरे पास भाई जो है जितना है ना भाई उससे ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए भाई लाइफ में, और किसी को तो भाई ये भी नसीब नहीं होता है जो भाई मेरे पास है। सो भाई लोग जैसे कि मैं आप लोगों को बोला, हम दोनों ना भाई नया सुपर बाइक बुक किए हैं, लेकिन भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों को भाई कौन सा सुपर बाइक लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए मेरे को यार? ZX6R। ZX6R
और हाँ गाइस, हम लोग जेजेक्स सिक्सर भी ले सकते हैं, G900 भी ले सकते हैं। गाइस आप लोग हम दोनों को कमेंट करके बताओ कि हम दोनों को भाई कौन सा सुपर बाइक लेना चाहिए। भाई आप लोग जो बोलोगे ना भाई, हम लोग ना वही बाइक लेंगे यार। कोई एक कमेंट मत करना कि बिबू भाई जेजेक्स ट्रेनर ले लो, उतना पैसा नहीं है मेरे पास। जेजेक्स ट्रेनर तो हम लोग लेंगे भाई लोग, जेजेक्स ट्रेनर तो हम दोनों का भाई ड्रीम बाइक है। हाँ गाइस, जब 1 मिलियन हो जाएगा ना तब हम लोग लेंगे भाई जेजेक्स ट्रेनर। अभी के लिए आप लोग कमेंट करो हम दोनों भाई G900 ले या फिर जेजेक्स सिक्सर ले यार।